हमारा कॉलेज है, तो मैं दिखाता हूँ थोड़ा बहुत और न्यूज पेपर दिखा दो। न्यूज पेपर में आज 10 तारीख का न्यूज पेपर है, उसके अंदर लॉकडाउन का सीन बता रखा है। सारे कीवर्ड बंद पड़े और धक्का मार के अंदर घुसना पड़े और सामने की तरफ एक टीचर मिलेगा जो भी नहीं है अब आएगा। बाकी एक मेरे जैसा होनहार स्टूडेंट मिलेगा। गाइस हमें कौन मिला है? मिलेश भाऊ। गाइस जो बिस्तर में पड़ा हूँ और पंखे के ऊपर तुम सनलाइट देख सकते हो, बिल्कुल रेड आ रखी है, देख रहे हो बिल्कुल रेड रेड। अभी मैं शक्ल नहीं दिखा सकता मेरी क्योंकि नींद में हूँ और सो रहा हूँ, तो सनलाइट देख लो बस। गाइस अभी मैं खड़ा हूँ गोल्डन आवर में और वो सुबह के टाइम होता है एक घंटे के लिए और शाम को भी होता है, तो अभी हो रहा था तो मैं जस्ट ऊपर आया, नीचे कमरे में सोते सोते मैंने देखा और ऊपर आया क्योंकि अभी मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा तैयार व्यार होने जा रहा हूँ नीचे, अभी थोड़ा सा मुंह धो के जस्ट ऊपर आ गया क्योंकि ये ख़त्म हो जाता अगर मैं तैयार होने रहता तो अभी ऐसा हो रखा है। देखो पीछे जो मेरे घर से भी दिखता है, मैं ऐसे ही दौड़ता रहता हूँ अलग अलग जगह पे, पर यहाँ से भी दिखता है। अब फटाफट कॉलेज के लिए निकलते हैं और आज ये वी व्लॉग जैसा एक व्लॉग बना रहा हूँ मैं, बस ऐसी इच्छा हो गई आज बनाने की तो बस बना रहे हैं। तो गाइस सीनियर रखा है, पिक्चर्स में नीचे आया था और न्यूज पेपर देखा, तो न्यूज पेपर में आज 10 तारीख का न्यूज पेपर है, उसके अंदर लॉकडाउन का सीन बता रखा है। मतलब आज 10 तारीख से 30 तारीख तक लॉकडाउन है स्कूल कॉलेज में, और आज हमारे कॉलेज में वो सीन है कि नहीं पता नहीं लॉकडाउन वाला, तो आज मैं जाके चेक करा कि जो गांव के स्कूल है उनमें तो नहीं कोई लॉकडाउन है क्योंकि वहां पे पढ़ाई चालू है। शहर की जो स्कूल है मतलब जो सिटी एरिया में आती है वो सारी स्कूलों में लॉकडाउन लग चुका है और ये न्यूज़पेपर भी यही बता रहा है और सीन यही है और इसमें लिखा भी हुआ है साफ साफ। तो अभी हम कॉलेज के लिए जा रहे हैं और फिर देखते हैं आज हमारे कॉलेज में क्या सीन हो रखा है, और 30 तारीख तक लॉकडाउन तो इसमें बता रखा है। बाकी अभी राजेंद्र से पूछा था, उसने बोला ऐसा कोई सीन नहीं है, एक बार जाके चेक करते हैं। तो अभी हम कॉलेज के लिए जा रहे हैं। गाइस आजकल मेरी कॉलोनी में मैं सुबह सुबह कहीं घूमता नहीं हूँ, पर आज मैं घूम रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है रोड पे, और सुबह सुबह उठ के अच्छा लगे घूमने वाले और रखा है बाहर की ओर, तो फिर सीन इन 200 भाई सीन ये क्या अभी दिनों ऑटो वीडियो और ऑटो किस्मत से खाली मिल चुका है बिल्कुल। और राजेंद्र सही में आज लॉकडाउन तो नहीं है? और रोहित भाई कल का ब्लॉग कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा भाई, हमने परसों एक ब्लॉग शूट किया था और कल उसे अपलोड किया था, आज एक और शूट कर। चल के क्लास है और अभी हम हमारी क्लास में जाएंगे। आगे का सीन पूरा अंधेरा अंधेरा और रखा है, सारे कीवाड़ बंद पड़े और धक्का मार के अंदर घुसना पड़ेगा। ये हमारा कमरा नंबर, घुसते इसके अंदर, खोलो के हर एक रूम में तुम्हें एक रूम की वाड़ यहाँ मिल जाएगा, एक उस साइड मिल जाएगा दरवाजा, सामने की तरफ ब्लैक बोर्ड, थोड़े से स्टूल और पीछे की खिड़कियाँ, सामने की तरफ एक टीचर मिलेगा जो भी नहीं है अब आएगा। बाकी एक मेरे जैसा होनहार स्टूडेंट मिलेगा तुम्हें। गाइस हम खड़े हमारे कॉलेज के अंदर और राजेंद्र और रोहित भाई, ये हमारा कॉलेज है तो मैं दिखाता हूँ थोड़ा बहुत और। तो गाइस ये हमारी क्लासों का बाहर का कॉरिडोर चेक करो, और ये नीचे जाने की सीढ़ियाँ जहाँ से हम आए थे और इधर से हम जा रहे हैं। okay. इधर सारी ऑफिस थे यहाँ पे, और सामने की तरफ गार्डन दिख रहा होगा तुम्हें, ये गार्डन है कॉलेज का। यहाँ से हमने एंट्री की थी और यहाँ से ही हम बाहर जा रहे हैं फिर से, ये मेन गेट है। गाइस हमें कौन मिला है? मिलेश भाऊ। और मिलेश कैसे? बस तुम जा रहे हो यार, वापस साथ में रहते अच्छा लगता है। क्यों साथ में क्यों रहना? तू ऐसे बांध के दो में मरेगा। पर क्लास में तुम थी नहीं जब हम इनकी क्लास में थे, ये हमारी क्लास में हम इनके सेक्शन में बैठे हुए थे क्योंकि हमारे सेक्शन पूरा खाली खाली हो रखा था।
तो गाइस अभी का सीन है कि मैं घर पे आ चुका हूँ और जब हम आ रहे थे मैंने बहुत सारी क्लिप और शूट की थी और आधा व्लॉग और शूट किया था, पर वो व्लॉग गलती से डिलीट हो गया और उस वजह से ये व्लॉग इतना ही बन पाया, क्योंकि अगर मैंने इसको बना लिया है तो मैंने सोचा चलो अपलोड कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक इंटरेस्टिंग था और उसके बाद की जो क्लिप थी वो भी इंटरेस्टिंग थी, पर ये 60% पार्ट है या फिर 70% पार्ट है जो इंटरेस्टिंग था जो मैं व्लॉग में डाल चुका हूँ। और ये पीछे से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे जो पीछे की क्लिप थी वो डिलीट हो गई थी, तो बस आज इतना सहन कर लेना क्योंकि आगे वाले व्लॉग तबाही आने वाला है, तो उसके लिए इंतजार करना। बाकी सब बढ़िया है, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आजकल मेरी जुबान बहुत अटक गई पता नहीं, हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लेके बाय और धन्यवाद।